आदमी वाले अंकल ने रोक दिया। वो गेट बंद है। ओह माय गॉड, ये तो दिक्कत हो गई। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग का शाम का राइड है। आज हम लोग घोड़े से जा रहे हैं घूमने के लिए। राइड वाइड नहीं है, आज लोग हम लोग घोड़े से जाएंगे घूमने के लिए। वो कौन कौन घोड़े हैं आपको हम बताना चाहते हैं। देख सकते हैं कि आज हम लोग तीनों घोड़े से जा रहे हैं घूमने के लिए शाम के। तो आज हम लोग घर पर बैठे ही थे, करना क्या था, बारिश का मौसम था, तो बारिश बहुत दिन के बाद थम गई है। तो फैमिली दोस्तों सोचे चलते हैं घूमने के लिए। तो हम जा रहे हैं, आदि जा रही, तो हम आपको घोड़े से मिलवा देते हैं कौन कौन जा रही है। ये आप तो इससे जानते ही, काफ़ी दिन से ही काजल, और दिख रहे आज बहुत दिन के बाद हम पद्मावती को ले जा रहे हैं। क्योंकि तो फाइनली पद्मावती को हम ही चलाएंगे और काजल को आदित्य चलाएंगे और बिजली जो है बिजली को अक्ष आर्या चलाएंगे, जो मेरा निफ्यू है। वो छोटा सा राइडर है, देख सकते हैं 9 साल का, जो चैलेंज जीता था। चैलेंज जीतने से बची, थोड़ा सा छुप गया। तो फाइनली दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो सकते हैं। नैना को भी जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों सोचे नैना क्या करेंगे घर में, तो नैना को भी लेकर चलते हैं घूमने के लिए। नैना मैं नहीं चला रहा हूँ, तो मैं एक घोड़ी चलाऊँ, दो कैसे चला सकता हूँ। मेरी सवारी ये है पद्मावती, देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मिलते हैं। लगाम लगाने चाहिए आप, बिजली को तो और कोई लगा नहीं सकता है। दोस्तों देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ अब बिजली को। ये सब तो रेडी हो चुकी है, बिजली अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि बिजली को सबसे संभालना इम्पॉसिबल है, तो उसको कोई लगाम ही नहीं लगा सकता। तो फैनली दोस्तों मैं ही लगा कर दिखा सकता हूँ, और उसका एक्टिविटी अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह उसका रहता है रिएक्शन। तो क्यों नहीं लगा पाता है, आदित्य भी नहीं लगा पाया था इस वजह से। तो आदित्य को जानते हैं, काजल को लगाना चाहता है। हाँ तो काजल बहुत शांत घोड़ी है, इसीलिए अच्छी लगती है हमको। काजल इतना मारती नहीं, और उसको कोई और टच करेगा बिजली को उनके मालिक के अलावा, तो वो भी खा रही है। मैं धीरे धीरे जाऊंगा उसके पास, धीरे धीरे ही बोलिए। वाह तो आप पे होगा। तो गाइस हां देख लीजिए मुखौटा। पहले दोस्तों देख सकते हैं मेरे पूरे घोड़ी जो है रेडी हो चुकी है, एक पे एक बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शाम का जो हम लोग अपने घोड़े से ही घूमने चलते हैं, तो बाकी सब लोग तो गाड़ी से जाते हैं। आज मेरा कुछ अलग स्वैग है, सारे घोड़े जा रहे हैं आज। तो आज मेरे सारे घोड़े जा रहे, बच्चे बहुत दिक्कत करते, इस वजह से बच्चे को बांध के रखते हैं। आइए सब आइए। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं पद्मावती, बिजली और काजल उधर वो तो पीछे लगे थोड़ा सा, और आप देख सकते हैं। कैसा डर भी लग रहा है? नहीं। तुमको लगता ही कब है डर? चश्मा क्यों पहना? आई फ्लू तो नहीं ना हो गया है? नहीं। तो यह वाटर पार्क बनने वाला है, बनने ही वाला है, छोड़िए उसको, तो बात हो गई है बहुत दिन से, कटरीना कैफ आते ही रह गई, का पता नहीं कब बनेगा। हम लोग भी आते हैं, टुक 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 कर। माय गॉड, सब लोग गाड़ी से ग्रुप बना के आ रहे हैं, हम लोग घोड़े से। माय गॉड, स्वैग है बीच वाले का। इधर देखो, वाटर पार्क बनने वाला था, पहले ही पानी आ गया बारिश का। गंगा जी आ गया है, गंगा जी जो था वो फिर आ गया। यहाँ से टर्न लेंगे, उसके बाद हम लोग सराय पहुँचेंगे। सभी लोग का निगाहें हम ही लोग पे। फाइनली पुलिस की वैन नहीं, गाड़ी निकल गई, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं था। ये देख सकते हैं आप, पूरा गिट्टी है यहाँ पे। घोड़े को मत दौड़ाइए अगर आपके घोड़े में के पैर में नाल नहीं लगा है। तो ये काजल में नाल नहीं लगाए हैं, क्योंकि हम लोग उतना वो मिट्टी वाले, मतलब वो कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पे कभी ज़्यादा नहीं चलाते हैं, देखो नाल नहीं लगाते, वरना नाल भी है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटा रोड और घोड़े चार। ओह क्या, हम लोग गंगा किनारे जाने वाले हैं? ये तो डिसाइड नहीं हुआ, घूमते घूमते हम लोग गंगा किनारे जाएंगे। ओह माय गॉड, आदमी वाले अंकल ने रोक दिया।
वो गेट बंद है। ओह माय गॉड, ये तो दिक्कत हो गई, बहस हो गई है। क्या हो गया, हमें रोक दिया गया है। कोई बात नहीं। माय गॉड, नैना डांसर आके भाग गई हम लोग से, बताओ। वही तो घूम रहा है नैना डांसर। गाइस, वाओ, देखो आप, मजा आ गया खेल में। भालू बैठा रेल में, लड़की दोनों देखी भाग गई वहां। धीरे चलाओ। फाइनली दोस्तों सराय पहुंचने वाले हैं, और ये छोटे उस्ताद को आप देख सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई सिकंद नहीं। डर किस बात का, चाचा जी बगल में हैं, भैया बड़े इतने अच्छे घोड़सवार भैया बगल में हैं। राज भैया की बात नहीं हो रही है, आदित्य भैया की बात हो रही है। धीरे। इधर जाम हो जाएगा, चार घोड़ा घुसाएंगे तो। एक गली में आ गए, वो फाइनली आ गए, वो आ गया जिसका हमें था इंतजार, नैना। एक तो है रे बगल से, अरे इतना स्पीड से इसको आगे जाने का डांस चालू कर देंगे। माय गॉड, ये गाइस हो गई हमारी ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग पे घोड़े सीख रहे हैं, आप देख सकते हैं रास्ता कितना कच्चा है, बट हम बस तेजी से चल, बराबर में चल। ओह माय गॉड, अरे हमको आने दीजिए, हमारी घोड़ियों से कोई डरती ही नहीं है, सब तो वही नई ना से डरवा देता है। कुछ भी हो जाए बराबर में ही रहना। Oh my god. नहीं, चल स्पीड लगा, इतना स्पीड नहीं, बराबर में दे, साइड में दे, हॉर्न मार। ओ शिट, उसमें तो हॉर्न ही नहीं है। जल्दी वहां से हटो, गाइस हट जाइए, इतना बाल मुंह में बहुत आता है, नीचे झुक के चलाए कर। देखो नैना का डांस चालू। इतना स्पीड में सब क्यों जा रहा है गाइस, 30 का या 40 का स्पीड तो होगा, कुछ दिखला रहा है मेरे को। ना शॉक वेव्स नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फाइनली हम लोग आ गए हैं, ये पद्मा से बगल में बगल करके चले। ओह माय गॉड, उसका डांस अभी रोड पे उसका था। आज कैसा लग रहा है पद्मा चला के? बहुत अच्छा ब्रेव, पहले पिछली चलाया फिर पद्मा चलाया। और वहाँ गाइस इसको यहाँ से विदा करते हैं, हम उधर से आते हैं। धीरे चल, अच्छा से कुछ घूमने दे थोड़ा सा हमको। बहुत दिन हो गए थे गांधी जी से मिले हुए, तो हम लोग सोचे क्यों ना गांधी जी के पास चले। ये है गांधी मैदान भागलपुर का, ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं गांधी जी के पास। कैसे हैं बापू? ठीक है, चलते हैं, दुआओं में याद रखना। आगे चलो, बापू को राम राम कह के हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। बापू देखो पीछे है, हम लोग देखो आगे हैं। बापू हम लोग का शाम का जो गए थे घोड़े थे घूमने के लिए, चार में हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्द, अभी के लिए बाय बाय।